रंका से हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। रंका प्रखंड के राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष राम प्रसाद यादव के आवास पर आज शाम 6:50 पर भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में बैठक किया गया। बैठक में मोहम्मद अख्तर अंसारी ने बताया कि भाजपा की सरकार गरीबों का जमीन लूटकर अमीर पूंजीपतियों को देने वाली है। इसके विरोध में हम भाजपा, कांग्रेस, माले, राजद, जेएमएम, झामुओं एक होकर भूमि अधिग्रहण बिल के विरुद्ध 5 जुलाई 2018 को झारखंड बंद को लेकर इसकी तैयारी को लेकर सर्वदलीय बैठक आज कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में आप क्या क्या ये हुआ? आज यहाँ सर्वदलीय बैठक भाजपा सरकार के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण बिल पास कराया गया है उसके खिलाफ में यहाँ सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें राजद के, बसपा के, माले के, जेवीएम और जेएमएम के लीडर लोग शामिल हैं। कल 25 जून 2018 को जिला स्तर पर जो राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था उसकी अभूतपूर्व सफलता के बाद आगामी 5 जुलाई 2018 को भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ पूरा झारखंड बंद रहेगा और उसी बंदी की तैयारी के मद्देनज़र आज यहाँ बैठक आयोजित की गई है, सर्वदलीय बैठक। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 3 जुलाई मंगलवार को यहाँ नुक्कड़ सभा किया जाएगा और 4 जुलाई 2018 बुधवार को यहाँ मशाल जुलूस निकाला जाएगा और तमाम राजनीतिक दल के लोग उसमें बड़ी संख्या में अपने अपने लोगों की भागीदारी कराएंगे। यहाँ इस अनुमंडल में 5 ब्लॉक हैं और इस 5 ब्लॉक के अंदर में बड़े पैमाने पर जमीन की लूट की तैयारी सरकार कर रही है ऑनलाइन के नाम पर। 5 ब्लॉक के अंदर में कोई ऐसा गांव नहीं है, जिस गांव के अंदर में कोई ऐसा एक परिवार नहीं है जिस परिवार की जमीन को नेट पर चढ़ाने के नाम पर लूटने की साजिश सरकार नहीं कर रही हो। और एक एक गांव में, एक एक किसान परिवार की जमीन में लूट मचाने के लिए इसने साजिशाना हरकत किया है। और दूसरी बात है कि कैमूर से लेकर छिपादोहर तक 132 गांव को वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के नाम पर 132 गांव में 1,05,937 जमीन जो अधिग्रहण करने की सरकार, भाजपा सरकार तैयारी कर रही है और यहाँ के किसानों को उजाड़ने की जो सरकार तैयारी कर रही है, इन तमाम सवालों को केंद्र करके हम यहाँ आगामी एक जुझारू कार्यक्रम बंदी की ओर बढ़ रहे हैं। और आप तमाम पत्रकार बंधुओं से, तमाम बुद्धिजीवियों से, दुकानदारों से और तमाम किसान मजदूरों से हमारा, आपके जरिए हम चाहते हैं कि ये संदेश जाए और इस संघर्ष में साथ दें और इस सरकार को अब एक मिनट बर्दाश्त करने की स्थिति में यहाँ की जनता नहीं है। इस सरकार को जितना जल्द हो सके, भाजपा सरकार को, इसको नागपुर के कब्रगाह में दफन करने की दिशा में तमाम राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। यहाँ के किसान मजदूर, छात्र, नौजवान जो है कमर कस चुके हैं। आप देख रहे हैं कैसे छात्रवृत्ति में जो है ना पूरी कटौती की गई है और पोस्ट मैट्रिक छात्र से लेकर नीचे के छात्रों की छात्रवृत्ति में कटौती की गई है। यहाँ की स्थानीय नीति की लूट कर दी गई नोटबंदी के जरिए। नोट हमारा, हुकूमत तुम्हारा, ये सब भाजपा के जो जरिए किया जा रहा है, इसके खिलाफ में यहाँ एक जनगोलबंदी बन रही है। और अब यहाँ की जनता, झारखंड की जनता, संघर्षशील जनता एक मिनट भी भाजपा सरकार को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अख्तर अंसारी, संचालन समिति के सदस्य और अध्यक्षता इस बैठक की राजद के वरिष्ठ नेता श्री राम प्रसाद यादव कर रहे हैं। बैठक में उपस्थित राम प्रसाद यादव, संजय कुमार चंद्रवंशी, संजय कुमार गौतम, सतीश पांडे, अशोक सिंह, जैनुल्लाह अंसारी, आशीष गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। धन्यवाद।